हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए गुरु माउली मोटर्स, देख सकते हो आप स्टॉक, ये बोर्ड है और ये स्टॉक है। बस स्टॉक बता दे एक बार, मजबूत स्टॉक अवेलेबल है इनके पास। 5 सीटर, 7 सीटर, 8 सीटर, हर एक तरह की कार अवेलेबल है। आप बस आपका रिक्वायरमेंट बोलो, आपके लिए वो कहीं ना कहीं से कार अरेंज करा के दे देगी। बेस्ट पार्ट ये डीलरशिप का ये कि यहाँ पे कम बजट, ज़्यादा बजट, हर एक बजट की कार अवेलेबल है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा यहाँ के ओनर से, नितिन भाई। नितिन भाई कैसे हो? नितिन भाई सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, अपना प्राइस रेंज कितने से स्टार्ट होता है? अभी मेरे पास देखा जाएगा तो 85,000 से 10 लाख तक भी गाड़ियां हैं। ओके, ये वीडियो में आप लोगों के लिए मैं 8 से 10 गाड़ियां बताने वाला हूँ, सो वीडियो में बने रहो। सो नितिन भाई सबसे पहले स्टार्ट करते अपन एर्टिगा से। एर्टिगा का डिटेल बताओ। एर्टिगा 2015 की गाड़ी है, 18+ CNG कंपनी फिटिंग में गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है। गाड़ी का आस्किंग रखा है 6,40,000 रुपया, उसमें भी नेगोशिएट हो जाएगा। ओके, कंपनी CNG में गाड़ी है और गाड़ी का किलोमीटर देखा जाएगा तो 65-70,000 गाड़ी चली है। ओके, तो गाड़ी का एक बार शॉर्ट्स बता दो भाई, आगे आगे चलो। अब बढ़ते हैं दूसरे गाड़ी की तरफ, होंडा सिटी भी अवेलेबल है इनके पास। उसके अलावा SX4 है, इको है, दो इको बताने वाला मैं आप लोगों के लिए। शेवरलेट की गाड़ी भी है। अब बता दो भाई होंडा सिटी की डिटेल। ये होंडा सिटी 2014 की पेट्रोल वेरिएंट है, SUV मॉडल आती है, सिंगल ओनर गाड़ी है। गाड़ी का किलोमीटर 50,000 हुआ है। गाड़ी का आस्किंग रखा है 4,70,000 रुपया, उसमें भी नेगोशिएट हो जाएगा। तुम्हारा ना मेरा भाई, अपना कोई सब्सक्राइबर रहता है, 4,50 कर दो भाई इसमें। 4,50 भी नहीं, 4,45 कर दूंगा। और क्या चाहिए भाई? उसके अलावा भाई अगर डाउन पेमेंट की बात करूँ, डाउन पेमेंट इसके ऊपर हो जाएगा 50-70,000 रुपये में हो जाएगा। ओके, एक बार गाड़ी का शॉर्ट्स बता दो भाई। मजबूत लुक में अवेलेबल है गाड़ी, कुछ ज्यादा काम कर, कुछ ज्यादा क्या मतलब काम करने की जरूरत नहीं, एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन में गाड़ी है। उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं SX4 की तरफ। SX4 का भाई क्या डिटेल रहेगा? SX4 ये 2011 की गाड़ी है, ZDA टॉप मॉडल, एक ग्रे कलर में गाड़ी थी अपने पास। करेक्ट करेक्ट, वो खानदा कॉलोनी में। ये भी एक 2011 की ZDA टॉप मॉडल है, सेकंड ओनर डीजल में गाड़ी आती है। ये गाड़ी का भी आस्किंग रखा है 2,70,000 रुपया, ये भी नेगोशिएट करके 2,50,000 तक फाइनल दे दूंगा। ओके, अगर कोई अपना सब्सक्राइबर आता है, मतलब ये कैसे एकदम अंदर साइड होगा, तो एक बार थोड़ा एड्रेस गाइड करोगे? अपना एड्रेस आता है पनवेल में पैलेस ऑफ आटा, ऑपोजिट डीमार्ट है, वसंत टोयोटा है, साइड में अपना महिंद्रा का शोरूम वगैरह भी है। ओके, किसी आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो गूगल मैप पे गुरुमावली मोटर्स डाल दीजिएगा, लोकेशन भी आ जाएगा, नहीं तो मुझे कॉल कीजिए, मैं बोल दूंगा। या फिर व्हाट्सएप पे भाई भेजोगे तो पूरा कैटलॉग वगैरह भी आ जाता है ना? कैटलॉग भी आ जाएगा। ओके, आप बढ़ते आगे इको की तरफ। इको दो इको अवेलेबल है इनके पास। सबसे पहले बात करते हैं ये ग्रे इको की। ग्रे इको ये 2011 की है, 5 सीटर आउटपुटिंग CNG है। गाड़ी सिंगल सेकंड ओनर में है। गाड़ी का किलोमीटर देखा जाएगा तो 75-80,000 गाड़ी चली है। गाड़ी का आस्किंग रखा है 2,50,000 रुपए, उसमें भी नेगोशिएट करके 2,25,00,000 रुपए में फाइनल दे दूंगा। अपने गांव खेड़े के बहुत कस्टमर आते हैं सब गाड़ी पे, इसके ऊपर तो डाउन पे, हाँ वही कितना डाउन पे मिल सकती है, हो जाएगा इसके ऊपर 1.5-2 लाख तक लोन हो जाएगा। पकड़ के चलो आपके पास रहना चाहिए 50-60,000, 75,000, आपके एज पर सिबिल के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अगर सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए एक बार गाइड करोगे? सिबिल स्कोर आपका रहना चाहिए 700 के ऊपर रहना चाहिए। ओके, 700 के अंदर रहेगा तो थोड़ा 19-20 हो जाएगा। ओके, तभी भी ट्राई करेंगे अपन करेगा। अब बढ़ते आगे, एक बार गाड़ी का शॉर्ट भी बता दो भाई। मजबूत कंडीशन में गाड़ी अवेलेबल है, कोई भी गाड़ी ऐसा आपको फालतू रेटा भी वगैरह नहीं मिलेगी, सब एकदम गाड़ी वेल टू डू कंडीशन में। अब ब्लू कलर में इको का डिटेल बता दो भाई। 2015 की कंपनी CNG में गाड़ी है, सिंगल ओनर गाड़ी है। ये गाड़ी का आस्किंग रखा है 3.5 लाख रुपए, इसमें भी नेगोशिएट हो जाएगा। कितना फाइनल होगा? एकदम फाइनल आएगी 3,35,000 में फाइनल आ जाएगी। ओके, इसके ऊपर लोन चाहिए तो 3 लाख तक लोन भी हो जाएगा। ओके, और उसके अलावा भाई अगर मतलब अगर एक भाई जैसे कि नॉर्मल बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा, अपने यहाँ पे मिनिमम क्या डाउन पेमेंट में गाड़ी मिल सकती है? ऐसा देखा जाएगा तो 100% लोन होना वो कौन सी गाड़ी रहेगी फिर भी एक अंदाजा मतलब कौन से ब्रांड की? मारुति में ज्यादा होता है। मारुति में हो जाएगा क्या? मारुति में 100% लोन होती है, मगर कैसे गाड़ी का ईयर मैन्युफैक्चरिंग उसके ऊपर कौन से ईयर पे रहेगा वो फिर भी मतलब एक अंदाजा लोगों को समझ में आ जाएगा। 15-16-17-18 की गाड़ी पे हो जाता है 100%। ओके, अब बढ़ते आगे, एक बार इको के शॉर्ट्स बता दो भाई। अब एकदम लो बजट में आपको गाड़ियां बता दो, दो एक वैगनर है और दूसरे एक शेवरलेट बीट है। तो अगर किसी का रिक्वायरमेंट है 2 लाख के अंदर गाड़ी चाहिए ना, तो ट्रस्ट मी एक बार गुरु माउली मोटर्स में आओ, आपको अच्छे से अच्छी सर्विस मिलेगी। उसके अलावा भाई आफ्टर सेल सर्विस क्या है आपकी, जरा एक बार गाइड करो ना लोगों को। आफ्टर सेल सर्विस देखा जाएगा तो कस्टमर का RC बुक ट्रांसफर, इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस, वो सब प्रोसेस करके देंगे आपको। ओके, सब ये प्राइस में इंक्लूड रहेगा ना? फॉर एग्जांपल हमने ये गाड़ी का बताया 2 लाख रुपए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 2 लाख में ट्रांसफर एंड ऑल सब इंक्लूड रहेगा, कैश में रहेगा तो बैंक वाले का लोन रहेगा तो बैंक वाले सब प्रोसेस करते, अपने पास कुछ नहीं रहता। ओके, तो
तो वो बैंक का अगर प्रोसेस रहेगा, ट्रांसफर रहेगा, इंश्योरेंस, वो सब बैंक वाले, सब प्रोसेसिंग वगैरह सब बैंक वाले करते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आपका छोटा अमाउंट में कोई गाड़ी लेने, मतलब 2 से 2.5 लाख में, तो कैश में ही लो, वही बेस्ट रहेगा। उसके अलावा एक जस्ट कंपैरिजन बता दो, अगर कोई पर्सनल लोन लेना चाहता है, पर्सनल लोन करेगा तो हमारे पास कैश ही देगा ना वो, पर्सनल लोन लेना चाहता है या फिर यूज्ड कार लोन लेना चाहता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या अच्छा है? बेस्ट रहेगा, लो बजट तुम लोग रह रहे हो तो लोन मत लो, कैश में ले लो। तो कैश हो तो पर्सनल लोन करो, हाई बजट पे जा रहे हो 5 लाख 4 लाख 10 लाख तो लोन का, कार लोन का। ओके, आप ज्यादा आपका टाइम नहीं खाता, कार की डिटेल बताया था, वैगनर कम बजट में वाली डिटेल बता दो। 2009 की गाड़ी है, पेट्रोल प्लस पेट्रोल में गाड़ी है, ओनर इसका थर्ड है, इसका आस्किंग प्राइस है 1,10,000 रुपए, इसमें भी नेगोशिएट करके 1,00,000 रुपए में फाइनल हो जाएगा। तो तुम्हारा ना मेरा भाई 95 कर दो ये गाड़ी का, चलो 95 कर देंगे, 95,000 में मारुति की वैगनार मिल रही है आपको भाई। पर आगे शॉर्ट बता दो भाई, कंडीशन देखो भाई गाड़ी की, आगे देखो भाई, आगे आगे थोड़ा कैमरा लाओ, टायर एंड ऑल भी देखो, टायर एंड ऑल भी एकदम एक नंबर कंडीशन के। उसके अलावा स्क्रैचेस वगैरह है, बट नॉर्मल स्क्रैचेस है, 1,00,000 के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर इंटीरियर, भाई थोड़ा अंदर आ जाओ, इंटीरियर बता दो, इंटीरियर भी काफी बढ़िया है ये गाड़ी का, 1,00,000 के अंदर है, बट इंटीरियर वगैरह भी काफी अच्छा है। अब बढ़ते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ, शेवरलेट बीट, हॉट सेलिंग गाड़ी है क्योंकि ये लो बजट में मिलती है। सबसे पहले भाई मेरे को ये बताओ, ये गाड़ी का प्राइस क्या रहेगा, बॉटम प्राइस? भाई एकदम बॉटम प्राइस देने का प्राइस है 1,40,000 रुपए, डीजल गाड़ी है, 2014 की सिंगल ओनर गाड़ी है, ये गाड़ी का आस्किंग वैसे रहेगा 165, 1,40,000 रुपए में ट्रांसफर करके दे देंगे। कितनी चली गाड़ी है ये? गाड़ी चली है 60,000 चली है। ओके, बहुत सारे लोगों का ऐसा थिंकिंग रहता है कि शेवरलेट अभी इंडिया से बंद हुआ है, बंद रहेगा तभी भी इसका मार्केट में पार्ट अवेलेबल है। ओके, ऐसा नहीं कि पार्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्ट एंड ऑल के रिलेटेड कुछ इशू नहीं रहेगा ना, पार्ट मिल जाएगा, मतलब जो भी, मतलब जैसा आपको डाउट रहेगा तो मुझे बोल दीजिए, मैं पार्ट ऑर्डर करके आपको दे दूंगा। और क्या चाहिए भाई, वीडियो में बोल रहे ये चीज, मतलब ये जेन्युइन ही रहेगा। अब बढ़ते आगे स्कॉर्पियो की तरफ भाई, एक बार सबसे पहले थोड़ा आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, थोड़ा शॉर्ट्स बता दो, क्योंकि अगर किसी को लेना है तो लेने में, डिसीजन लेने में इजी रहेगा। एक बार थोड़ा इंटीरियर भी बता दो ये गाड़ी का, अच्छे कंडीशन में गाड़ी है, 1,40,000 में मिल रही है, तो एकदम बेस्ट कार है। तो अब बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको स्कॉर्पियो भी लेने रहती है, तो भाई आगे आ जाओ, स्कॉर्पियो की डिटेल बता दो पहले। स्कॉर्पियो 2012 की गाड़ी है, सेकंड ओनर डीजल में गाड़ी है। ओके, ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस वैसे 4.5 लाख रुपए है। ओके, मान सम्मान करके अपन लोग 4,10,000 रुपए में फाइनल दे देंगे। ये गाड़ी पे लोन हो सकता है क्या? ये गाड़ी पे 3.5 लाख का लोन करा के दूंगा। और क्या चाहिए भाई, मतलब 50 से 60 हजार रुपए लेके आ जाओ और ये स्कॉर्पियो लेके जाओ। तो अगर किसी को कोई भी कार खरीदनी है भाई, एक बार कैमरा घुमा दो, मजबूत स्टॉक अवेलेबल है इनके पास, 5-सीटर 7-सीटर हर एक तरह की कार अवेलेबल है, आप बस आपका रिक्वायरमेंट बोलो, आपको कार अरेंज करा के दे देंगे। उसके अलावा नितिन भाई कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहेगा, कॉलिंग टाइमिंग क्या रहेगा वो बता दो। कॉलिंग टाइमिंग है सुबह 10 बजे के बाद रात को 8 बजे तक, उसके बाद आपको मैंने कॉल नहीं उठाया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड रह सकते हो, व्हाट्सएप पे हाई करोगे तो कैटलॉग का लिंक वगैरह सब आ जाएगा। ओके, भाई की अभी शादी होने वाली, जिससे भाई थोड़ा शादी में व्यस्त रहने वाले हैं, तो सब लोग पहले कमेंट सेक्शन में भाई को कांग्रेट्स बोलो। उसके अलावा भाई कभी अगर कॉल नहीं उठा पाए तो व्हाट्सएप आप कर सकते हो, आपको असिस्ट करेंगे वो। उसके अलावा अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अच्छे वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। और ये सब जो स्टॉक अभी दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी याद से प्रेस करके रखना।